पे यहाँ पे भी विजुअल्स ले सकते हो एक्शन में खड़े होके What did you speak to them? That we had always spoken to them about. अभी लगाएंगे? Because मिनट कैसे लगाएंगे वो? But at least they'll do it for the other guests. Okay sir, आपको सेंटर देखना है तो सबसे पहले तो Yes. Thank you, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. क्या फील करते हैं आज की शाम क्योंकि एक पार्टी भी है. Firstly, thank you so very much. आप मॉनसून के बारिश भरे या उसमें आए एंड यू ऑल हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड यू ऑल हैव बीन वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द आवर वेडिंग एंड थैंक यू सो वेरी मच. इट मींस अ लॉट. लव्ड यू. यस यार, आई एम वेरी हैप्पी यू ऑल यू गाइस आर हियर. थैंक यू सो मच. ये सब आप ही के लिए है क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो ट्रैवल नहीं कर पाए हमारे साथ. सो एंजॉय. अच्छा मौसम है आज और खूबसूरत लोग हैं. सो एंजॉय. थैंक यू. इसके अलावा हमने देखा सोशल मीडिया पर ढेर सारा प्यार मिला आप लोग को एंड घर वालों का एंड फैमिली मेंबर का क्या रिएक्शन था शादी के बाद? जाहिर सी बात है घर वाले बहुत खुश थे. मेरे पिताजी तो आई थिंक 8-9 साल पहले नाचे होंगे, 8 साल बाद अब मेरी शादी पे नाचे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. And there was a competition between my father and her father in dancing, but uncle won. See, more about the feedback, it was a celebration time or we made sure ki hamare friends or family together we celebrate our big day and yes, it turned out to be the most memorable and a beautiful moment for us. And iske alawa aap logo ke jo beautiful attire hai wo thoda zyada sahi hai. Thank you. My beautiful gown, Carlio has designed it and they personally have put in their efforts and beauty into this gown and of course she has styled me totally for all occasions. She styled me. I'm very happy wearing you know what she thinks is correct. And obviously I'd like to thank Tina ma'am. Yeah, Tina, she's really she's the woman behind it. Yes, behind all his looks. Yeah. मैं अभी अभिनव का वीडियो पोस्ट करके आया हूँ इंस्टाग्राम पे, तो चुटकी के पास आता है, बेल बजती है, तो चुटकी कहती है अंडे नहीं चाहिए. दरवाज़ा खोलती है, वो कह रहा है एक्सक्यूज़ मी क्या आप मेरे कुरियर ले लेंगी? चुटकी कहती है हाँ ले लूँगी. तो वो कहता है कि क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ जस्ट इन केस? तो चुटकी कहती है आई डोंट गिव इट टू स्ट्रेंजर्स. और जैसे ही वो पलटता है उसके बाद वो चुटकी तड़प रही है 9820. तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई प्री पोस्टेड. जी बहुत बहुत, बिकॉज आई थिंक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं. अप्पू है, शिल्पा है, खेरा है, और बहुत मज़े आने वाले हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. अरे आजकल सब अच्छे गाने होते हैं, सो आई एम गोइंग. वैसे भी अंदर जाता है सब डांस निकल आता है, उसके बाद जनरेटर पे भी डांस होता है. ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू. आपको
वेल ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन आप लोग देखते ही हैं, जैसे कि वो मेरी सिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड ऑफ स्क्रीन ऑल्सो रुबीना इज़ वेरी सपोर्टिव, एंड एज आई नो अभिनव एंड रुबीना दे बोथ आर वेरी इंस्पायरिंग पीपल, वेरी पॉजिटिव एंड ऑफकोर्स ट्रू सोल टूवर्ड्स लाइफ, एंड आई विश देम द हैप्पीएस्ट ऑफ द मैरिड लाइफ. I wish that they enjoy the every single moment and small moment of the of this beautiful chapter, I think. So yes, I wish them both. Kya special day pe kuch tips dena chahenge unhe shaadi ke baad kya karna? Oh god, tips actually kisi married couple ko koi married person hi de to zyada better rehta hai, because I think I'm not married and I don't have that experience of that marriage, but I don't think so they need any excuse me. Well, I don't think so that they need any type of advice or tips, because they both are very open towards life. They know how to handle the situations. But I just wish them ki jaise Soumya apni married life ko bachaye rakhne ki koshish karti hai, Rubina and I know this very well ki Rubina apni married life ko bahut acche se enjoy karegi as per shoot ke sath sath. वेल नहीं, बिकॉज ऑफ शूटिंग स्केड्यूल सबको छुट्टी नहीं मिल सकती थी, इसीलिए हमारे शो से कोई नहीं जा पाया था उनकी शादी में, बट रिसेप्शन पे आज पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पर उन्हें विश करने के लिए, एंड साथ ही आए हैं हम लोग ऑफकोर्स, मनिंदर फैमिली अपनी बेटी के साथ ही आई है, सो ऑफकोर्स यस वी आर हेयर टुडे. वेल एक एक मोमेंट को इंजॉय करें, बिकॉज आई थिंक ये न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ का जिसे आपको इंजॉय करना चाहिए, और अभी तक आप अकेले थे, अब आपका एक पार्टनर है जो आपकी लाइफ के हर एक मोमेंट को आपके साथ शेयर करेगा, सो इसे चेरिश करें और जितने अच्छे से जी सकते जिए. कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया. सबसे पहले तो आपके अंदाज में क्या विश करना? यही विश करना. अच्छा, अभिनव और रुबीना को उनकी आगे की लाइफ के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, एंड यही विश करते हैं कि आगे जिस तरह अभी वो मैडली इन लव हैं हमेशा वैसे ही रहें. विचार सेम है, हस्बैंड वाइफ विचार सेम होने चाहिए, यही सेकंड टिप है. जस्ट कीप लविंग ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो रिलेशनशिप को हेल्प करती है. वो बहुत अच्छे लगते, तभी तो दोनों एक साथ हैं, मतलब आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, अगर आप अभी भी उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि दे आर ट्रूली मैडली इन लव विद ईच अदर एंड दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड देयर लव इज ग्रोइंग डे बाय डे. देखिए टीवी से तो थोड़ा सा ब्रेक है मेरा, क्योंकि मैं अभी अगस्त तक सितंबर तक बिल्कुल बिजी हूँ. मैंने दो साउथ की फिल्म साइन की है, एक कन्नड़ा फिल्म मैं कर रही हूँ विद वहाँ के सुपरस्टार सुदीप, एंड वन आई एम डूइंग विद नागार्जुन सर विच इज़ इन तेलुगु. सो साउथ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एंड आई होप दैट समथिंग आई विल गेट इन टेलीविजन, बिकॉज नाउ आई एम स्टार्टेड मिसिंग इट. आई होप दैट आई विल गेट समथिंग गुड रियली सून एंड कम बैक ऑन टेलीविजन. या क्योंकि साउथ में हमें फाइटिंग बहुत है, टच वुड मेरी जितनी भी मैं फिल्म साइन कर रही हूँ उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ खड़े रहना है, मुझे कुछ करना नहीं है, या उस कैरेक्टर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या वो जैसे हम साउथ फिल्म में इमेजिनेशन इमेजिन करते हैं वैसे ही वो फिल्म्स नहीं हैं, दे आर वेरी गुड. द फिल्म विच आई एम डूइंग विद नाग सर इज़ अ कॉमेडी एंड सटायर कॉमेडी, एंड द फिल्म विच आई एम डूइंग इज़ ऑन रेसलिंग which is a Kannada film, so it's really exciting and I'm looking forward to it. Thank you.
Just wish both of them all the best. They are getting into a very good phase of life, and that's why, like, you know, we both are here to celebrate with them. Welcome to the club! यार क्या ना प्रॉब्लम, हम अभिनव को टिप्स दे नहीं सकते क्योंकि वो कुछ भलती चीज़ें करता है हमेशा, उसके कुछ अलग ही फंडे हैं लाइफ के, तो आई थिंक उसे टिप्स के कोई फ़ायदा नहीं है. सो ऑफकोर्स आई हैव नेवर हंग आउट विद वीना, अभिनव के साथ हम शूट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स बहुत सारे मोमेंट्स हैं जब हम शूट कर रहे होते हैं और वो आता है एकदम थका रहा, हमने क्या हुआ, लाइक यार कल पैकिंग करे थे, ये करे थे, वो, हम लाइक अरे तेरी शादी है, खुश हो, बट यूज टू बी लाइक सो डेड ऑल डे, बट यूज टू मेक अ लॉट ऑफ फन अबाउट इट, बट दैट्स इट, देयर इज नथिंग न्यू. बहुत तैयारियाँ की है, पहले तो शूट पे से बोलना पड़ा था प्लीज़ जल्दी छोड़ दो, उसके बाद हम शूट पे ही तैयार होके सीधा आ रहे हैं, तो यस लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग इनसाइड एंड हैविंग सम ग्रेट टाइम. आई एम जस्ट वेयरिंग अनारकली एंड डायमंड इयर रिंग्स, दैट्स इट, थैंक यू. अबाउट मी, आई एम जस्ट वेयरिंग व्हाट माय वाइफ चूज फॉर मी. I just want to say thank you so much for so much appreciation. बहुत टाइम बाद मुझे फैंस से मैसेजेस मिल रहे हैं दैट वी आर लविंग योर परफॉर्मेंस, वी आर लविंग द लुक ऑफ द शो. सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स एंड प्लीज वॉच आर शो, वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. हेलो सबको है, जल्दी खत्म करो अभी. दृष्टि और अभिनव को, दृष्टि और अभिनव एक दूसरे से दूर रहना. मैंने दृष्टि और अभिनव दे प्ले अ कपल इन आवर शो आल्सो, सो इट्स फाइन. हां तो दृष्टि ऑफ स्क्रीन उससे दूर रहना, अब इसकी शादी हो गई है, सो लेट हिम जस्ट लिव इन हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. रुबीना एंड या रुबीना एंड अभिनव, हम उन्हें विश करना चाहेंगे बहुत सारी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, एंड आई थिंक दे आर वेरी वेरी कंपैटिबल. मैं तो अभिनव को, बिकॉज वी आर शूटिंग टुगेदर, उनके काफ़ी सारे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स ऑन सेट ही चल रहे थे क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, बिकॉज ही हैड सम डेज ऑफ, शादी के लिए ऑफ थे, तो सेट पे ही बहुत सारी तैयारियाँ चलती थी, नहीं वॉज ऑलवेज ऑन फोन टेलिंग कि नहीं ऐसा कॉस्ट्यूम, नहीं ऐसा कॉस्ट्यूम. सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द कपल कि यार फाइनली सबने क्या पहना है एंड हाउ इट्स गोना बी. कोई टिप्स नहीं दिए भाई, आई थिंक हर इंसान अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता है, हर कपल की अपनी केमिस्ट्री होती है, किसी के टिप्स से कोई मायने नहीं रखते. आई एम श्योर कि उन दोनों ने सोच समझ के शादी की है, बहुत अच्छी, जैसे आदिति सिंह की बहुत सी केमिस्ट्री है, तो आई एम श्योर दे आर गोना रॉक मैन. गुड लक. आई नो वी कुडंट गो शिमला में, आई थिंक उनका मेन फंक्शन लुधियाना एंड शिमला, बट वी कुडंट गो बिकॉज द शूटिंग, बट उसी के लिए तो उसने यहाँ पर करी और आप सबके लिए भी करी, आई थिंक सो दैट एवरीबडी कैन एक्चुअली मीट द ब्राइड एंड द ग्रूम. वो तो अभी अंदर जाके पता चलेगा, वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द धमाल क्योंकि उनकी शादी तो हो गई है अब टेक्निकली, सो हम तो सिर्फ मज़े ही करने आए हैं. थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू. Thank you guys. Thank you. रुकना भाई रुकना. क्या विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में?
1 second कम है ना, 1 second. लक्ष्य मैं उनको ये विश करना चाहती हूँ कि जैसे जितने साल उन लोगों ने एक दूसरे के साथ निकाले और फिर उसके बाद इतनी मस्ती वाली और इतनी धूमधाम से जो शादी की है, वैसी अब वो मेरे लिए दुआ करें और मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लें और मेरे लिए लड़की भी ढूंढ लें फिर इसी बात पे। ओके, ये जोक था, ये जोक था। ऑब्वियसली बहुत ही खुश हैं हम लोग और उसके लिए, उन दोनों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, बहुत सारा प्यार है और वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें साथ में, यही दुआएँ। ऐसा ऐसा चलेगा? अरे पता नहीं, एक दुविधा है। हाँ, मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो और कि कोई भी लड़का डर जाता है, वो ये सोचेगा कि इतनी स्ट्रांग औरत को कौन हैंडल करेगा। अब बताओ, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो आप लोग ही ढूंढ लीजिए एक स्ट्रांग औरत के लिए कैसा लड़का होना चाहिए। क्योंकि अब क्या है ना, इन लोगों ने मेरा करियर जो है वो बर्बाद नहीं पर थोड़ा सा बदल दिया है। जो टेलीविज़न की वैम्प हुआ करती थी, अब वो एक बहुत अच्छी औरत बन गई है। तो अगर एक अच्छी औरत जाएंगी शादी करने के लिए तो पूरा बोझ तो दूसरी अच्छी औरत पर आ जाएगा ना, तो वो जो उनका जो बोझ है वो मैं संभाल रही हूँ। तो या तो वो शादी में जा सकती थी या मैं जा सकती थी, तो मैंने उसे जाने दिया। आप लोग हमेशा ड्रेस के बारे में पूछते हैं और मेरे पास कुछ होता नहीं है बोलने के लिए। मैं ये कोशिश करती हूँ, जो मेरा पिछला पब्लिक अपीयरेंस था उससे मैं अलग हूँ। तो पिछला आई थिंक गोल्ड अवार्ड्स था जहाँ पे मैंने साड़ी पहनी थी, वहाँ पे मैं सेक्सी लग रही थी। तो मैं एक चीज़ कॉमन रखना चाहती हूँ, वो है सेक्सी, और बाकी मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ, तो जो मैंने की है। ओके, मेरा अटायर बहुत फॉर्मल कैजुअल मिक्स है, बाकी दारा को क्रेडिट देने तो दे दो, बाकी इट्स लाइक वेरी कैजुअल, जो भी मिला उठा के ले लिया अपने वार्डरोब में से, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करी है, तो बस यही है। बाकी अपनी जो मेरी ऑन स्क्रीन भाभी है वो अब किसी की और की रियल लाइफ भाभी बन गई होगी, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। नहीं नहीं, टिप तो वो देंगे क्योंकि वो डबल है, मैं सिंगल हूँ, तो टिप तो अभी वो दोनों देंगे, है ना? मैं का स्वयंवर जल्द से जल्द करवा लो सबके साथ। अभी तक मैं उससे मिली नहीं हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद, वो कल शूटिंग कर रही थी और मैं नहीं कर रही थी, तो उनकी शादी के बाद अब मैं उनसे मिलने वाली हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अब यहाँ पर भी आना है, क्या करना है जी? लड़का ढूंढ रहे मिलेगा नहीं? ओके, हम एक काम करते हैं, बीच में देखते हैं, एक आंख यहाँ रखते हैं, एक आंख यहाँ। महंगे लगोगे। वेकेशन एक्चुअली लंदन में फिल्म के प्रमोशन के लिए मैं गया हुआ था पल्टन के, वहाँ पे जैसे उनको मालूम चला कि अब लंदन जा रहे हैं, तो वैसे देवीना ने कहा कि मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ, तो चार पाँच दिन तुम्हारे साथ नहीं गई, लेकिन चार मम्मी के साथ गई और मैं अपनी मम्मी के साथ खूब घूमी, खूब शॉपिंग की, जहाँ पे गुरमीत मुझे बिल्कुल नहीं बोल सके कि मैं बोर हो रहा हूँ तुम अकेले जाओ, या मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ तुम अकेले शॉपिंग करो। तो मैंने मन भर के घूमा, मन भर के शॉपिंग किया, और उसके बाद जब इनका काम ख़त्म हो गया फिर हमने साथ में हम गए आयरलैंड, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। शॉपिंग में एक्चुअली देवीना, जैसे मैं देखता हूँ कि इनका मूड शॉपिंग का होता है, वहाँ से मैं कल्टी ले लेता हूँ, क्योंकि इनकी शॉपिंग बहुत लंबी चलती है और चार पांच बैग अलग से खरीदना पड़ता है, उसमें फिर कपड़े जाते हैं, और मेरा बैग इतना छोटा सा ही होता है। इस बार बैग नहीं खरीदा, मैं बैग लेके गई थी इंडिया से, तो पर मैंने अकेले ही शॉपिंग किया। शॉपिंग से ज़्यादा अच्छा लगता है देखना,
मुझे लगता है हर लड़की ये बात मेरी समझेंगे, आप लड़कियों बताओ, खरीदने से ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत सारा देखना, ट्राई करना। और लड़कों को यही पसंद नहीं आता कि वो इतना शॉपिंग देखते रहते हैं और खरीदते एक चीज़ है, क्यों? हम लड़के जाते हैं, देखते हैं, ले लेते हैं, देखते हैं, ले लेते हैं, ये देखते 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 वो लेते हैं। अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जो भी देखते हैं वो खरीद लेते हैं और मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो इसलिए मैं अकेले गई। मुझे नहीं, नहीं, आज मीडिया में हम लड़ी लेते हैं शॉपिंग के लिए गए। हाँ, मतलब ऐसे कैसे, आप पांच चीज देखते हो, छठी चीज छठी दुकान में जाके लेते हो। बीवी के साथ शॉपिंग में जाओ, बहुत खुश रहोगे। और बीवी की हर बात सुनो, दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात। आप अभिनव, आप खुश रहोगे। क्या हो सकती थी, हाँ, विश है कि विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ एंड स्टे ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से जैसे हम एक दूसरे के दोस्त हैं। और हर साल ऐसी एनिवर्सरी पार्टी रखो, रखो, हम लोग आएंगे, ऐसी पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। वी आर सुपर एक्साइटेड, हमने अभी कल से डबिंग स्टार्ट कर दी है और कल मेरी पहली डबिंग स्टार्ट हो जाएगी पल्टन की, और 7 सितंबर को रिलीज हो रही है, उसके बाद ही प्रमोशन है और 10-12 दिन के अंदर हमारा प्रोमो भी आ जाएगा। नहीं, हमारी शादी तो हमने मंदिर में की थी भाग के। हाँ, उनकी शादी देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अभी सोशल नेटवर्क ने दुनिया को जोड़ के रखा है, तो अगर हम लोग फिजिकली मौजूद नहीं भी थे तो फिर भी कहीं ना कहीं मौजूद थे उनके शादी में। सो इट लुक ब्यूटिफुल, दे लुक इथरल, एंड आज अभी तक मतलब मुझे लगता है 45 मिनट हम यही हैं, अभी तक अंदर जाके कपल को देख नहीं पाए जाते हैं। आई एम वेयरिंग पैंट सूट बट लिटिल डिफरेंट, casual pants suit, or Gurmeet is also wearing a suit but casual. Amrita is also here. Where is she? एक्चुअली मैं अभिनव से पहले मिली नहीं हूँ, बट पिछले कुछ महीनों में रुबीना से मैंने और कोई बात सुनी ही नहीं है एक्सेप्ट अभिनव, राइट फ्रॉम हाउ दे मैच देयर लव स्टोरी, हाउ थिंग्स ट्रांजिशन, हाउ इट ऑल केम टू दिस पॉइंट टुडे। अभिनव के बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत एडवेंचरस हैं, बहुत आउटडोर्सी हैं, उन्हें बाहर जाके कैंपिंग करना, आउटडोर चीज़ें करना बहुत पसंद है। सो आई पर्सनली वॉन्ट टू विश रुबीना एंड अभिनव अ लॉट ऑफ फन एंड अ लॉट ऑफ एडवेंचर्स टुगेदर। आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट विश फॉर देम। हमने एक्चुअली हर चीज़ को मिस किया है, बट वी ऑल बिन फॉलोइंग इट राइट फ्रॉम सोशल मीडिया पोस्ट टू फैन पोस्ट टू एवरीथिंग, वी हैव बिन फॉलोइंग द एंटायर जर्नी, बिकॉज लाइक आई सेड रुबीना को जितनी एक्साइटमेंट थी इस शादी की, आई थिंक शक्ति की पूरी टीम को उतनी एक्साइटमेंट थी, बिकॉज पिछले 1.5 महीने से हमने और कोई बात नहीं की और कोई चीज़ नहीं की, वी ओनली बिन डिस्कसिंग टुनाइट। एक्चुअली अभी तक हम में से किसी ने रुबीना के साथ शूट नहीं किया है, सो टुडे इज द फर्स्ट डे दैट वी आर गोइंग टू सी हर एज अ न्यूली मैरिड गर्ल एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मेरा लुक काफ़ी कैजुअल है, इट्स जस्ट अ कलर दैट आई रियली लाइक एंड आई ट्राई टू कीप इट वेरी कैजुअल एंड कंफर्टेबल, मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, बिकॉज आई एम हियर टुनाइट टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद द न्यूली मैरिड कपल, दैट्स ऑल। दूधो ना फूटो फलो, सदा सुहागन रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो, एंड वेलकम टू द क्लब। जिंदगी भर बस सॉरी बोलते रहो ताकि ताकि आप हमेशा खुश रह सकें, और हमेशा अप्रिशिएट करो,
अप्रिशिएट करो और बोलो कि आप कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस ये बोलते रहो, आप ज़िंदगी भर खुश रहोगे। हमेशा हर वक्त करता हूँ मैं तारीफ उनकी, विद इन से अंदर से निकलती है तारीफ। हर प्रॉमिस फॉलो कर रहा हूँ मैंने, अब तक कोई प्रॉमिस तोड़ी नहीं है। कैमरा में तो बोलना ही पड़ेगा, 500 रुपए दिए थे ना, दे देना जाके, आजकल वैसी कमाई नहीं हो रही है मेरी। 2000 दे दूंगा। तारीफ करूं आज के दिन के लिए, कितनी तैयारी की है, बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम में आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा तैयारियाँ नहीं की हैं, एक्चुअली नहीं की, रैंडम था, इसका भी रैंडम था और मेरा भी रैंडम था, वी जस्ट सेंट ईच अदर द ऑप्शंस एंड वी डिसाइडेड व्हाट टू वेयर। ओके, कौन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है या फिर कौन सजेस्ट करता है कि क्या पहनना है? और अच्छी बीवी का ये टिप है कि बस पति की हाँ मैं ऐसे हूँ, हाँ हाँ यस यस, जो आप कभी भी नहीं करती yes, है, कभी भी नहीं करती। मैंने तो बहुत मिस किया, मैंने बहुत कहा अभिनव को कि प्लीज़ मुझे बुला लो, शिमला में बुला लो, लुधियाना में बुला लो वेडिंग के लिए, ताकि मुझे शूटिंग से एक का दो दिन की छुट्टी मिल जाए, पर वी डिडंट कॉल अस, ही सेड सॉरी नो बजट, वी कैन कॉल यू ओनली इन मुंबई। आई थिंक वो अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा, आई एम जस्ट वेटिंग टू मीट हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। थैंक यू सो मच। हाय, आप ही पूछते सारे क्वेश्चन। मैं उनको विश करना चाहूँगी वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैरिज है यार, उन्होंने 15 बार बोल चुके हैं, ऑब्वियसली विशिंग रुबीना एंड अभिनव अ वेरी वेरी सुपर हैप्पी ब्यूटिफुल मैरिज लाइफ अहेड, और दे लुक स्टनिंग टुगेदर। आई जस्ट अलग तो नहीं है प्लीज़, आई एम सॉरी, अभी निया दिखी अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है, आई एम सॉरी। सो दिस अलग ये है दैट यू नो दिस इज नो डिज़ाइनर्स प्लीज, मेरी 10 साल पुरानी स्कूल फ्रेंड, शी हैज़ टर्न इन टू अ डिज़ाइनर एंड शी सेंट मी दिस आउटफिट, सो मोर देन लुकिंग गुड और एनीथिंग, इट्स अ फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म, यू नो आई फील वेरी ओवरवेल्म दैट जिसके साथ आप टेबल स्कूल में आप एग्जाम्स में चीटिंग करते हैं, यू नो ये सब आप कर रहे हैं, सो शी इज़ अ डिज़ाइनर टुडे एंड शी सेंट मी दैट आउटफिट एंड आई फील वेरी हैप्पी वेयरिंग इट। शिमला एक्चुअली मुझे जाना था फॉर वेरियस रीजन्स, फर्स्ट टू अटेंड रुबीनाज वेडिंग, सेकेंड टू ऑब्वियसली एक्सप्लोर द पार्ट्स, मैं बचपन में गई थी बट नन ऑफ इट कुड हैपन, बट रुबीना को देख के मुझे ऐसा लगा यार वंस इन अ लाइफ टाइम यू नो यू शुड जस्ट एक्सपीरियंस ऑल दिस, बिकॉज शी लुक्ड ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल लाइक अ फेरी शी लुक्ड, सो आई मिस दैट वेडिंग ऑफ कोर्स, बट हियर आई एम एंड आई एम हैविंग फन एक्चुअली, शी इज लुकिंग स्टनिंग टू मी। I'm looking forward to dancing because I don't dance very often, so I thought I would come here, but I'm just looking for my few friends jo mile and then I would just done. Okay sir, thank you. Thank you. Hi. Hello. Hi. सबसे पहले रुबीना वो खुश रहें, आबाद रहें, सुखी रहें, पुतुन है और क्या तैयारियाँ की थी उनके रिसेप्शन के लिए, स्पेशली और क्या गिफ्ट देने वाले हैं?
गिफ्ट सरप्राइज है, अब हम बताएंगे नहीं। आप बता चुके हो वैसे पहले। पहली चीज़ जो हमने बताई है वो गिफ्ट ही बताया था वहाँ पे। बोलो बोलो बोल दो। हम क्योंकि दोनों अभी शादी के लिए इतना घूम कर आए हैं तो आई एम श्योर जल्द वो निकल नहीं पाएंगे, तो हमने उन्हें एक हनीमून स्वीट गिफ्ट किया है सो दैट दोनों शूटिंग के बाद जाएं एंड दे कैन जस्ट रिलैक्स एंड चिल, सो दैट्स व्हाट वी प्लान। और साथ में हम भी उनके साथ वहाँ पार्टी करें। शिल्पा इतनी खूबसूरत हैं कि इनके साथ कोई भी चलेगा ना वो खूबसूरत वो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने ही लगता है। मैं जो लग रहा हूँ उनका रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर शायद पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपको अच्छा लगा। अदरवाइज शी इज अ स्टनर एंड ये मैं अनबायस्ड होकर बोल रहा हूँ। मतलब अरे यार दैट वाज द बिगेस्ट रिग्रेट इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि हम लोग जा नहीं पाए, हम दोनों जा नहीं पाए वहाँ पे। बट आई थिंक वी मेक अप फॉर इट। और यहाँ पर जो है जो थोड़े बहुत हम सेलिब्रेशंस में हिस्सा नहीं बन पाए तो यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे एंड वी विल लेट यू गाइस नो। यहाँ पे हम पार्टी करा करा के रुला देंगे दोनों को। यस यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यार क्या अब अपना शुक्ला से मैं वैसे खुद टिप्स लेता था। Adventure and mountaineering and he's very sensible, very sorted guy. So aap unse koi bhi advice de, he'll have an idea in hand and he'll give you a very logical solution to your problem, you know. So main to kya nahi, but main itna hi chahta hu ki khush rahe, abad rahe, sukhi rahe. Thank you guys, thank you, thank you. Visual honey ji. यहाँ ले लेते हैं सब, आप जिसने मुझे बुलाइए मुझे बुलाता नहीं है, मेरे को नहीं बुलाता। सर मैंने आपको सबसे पहले चलो एक बार यहाँ दे देते हैं। बहुत पसीना आ गया है, टिश्यू किसी के पास नहीं है, लड़की है स्मार्ट। रुक जी खाकर बोल, दो मिनट रुको ना यार, पसीना पोछा था भाई। ओह वो भी मतलब इम्पोर्टेड वाला है। पफ पफ भी है किसी के पास, शीशा नहीं बस देखा इसे, ये होना चाहिए शादी में, पता है शादी के बाद। वेरी गुड थैंक यू। अरे हॉट लड़की है, गर्मी तो होगी ना बाजू में। हाँ चलो, किसने कहा था हॉट लगने के लिए। चलिए अरे बहुत एक्साइटमेंट रहा है पूरी शादी को लेके, पिछले 2.5 महीनों से यही चल रहा है। और जब से रूबी का एक्साइटमेंट चालू हुआ, डेट फिक्स हुई तब से हमारा भी चालू है। और आज फाइनल इवेंट है, रिसेप्शन है और बॉम्बे के सारे फ्रेंड्स जो वहाँ नहीं आ पाए वो सब आए हैं। सो वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। प्लानिंग चालू हो गई अभी, रात को भी मिलेंगे ना, तो कहाँ जाना है अभी, कहाँ की टिकट बुक करनी है, वो सब चालू हो जाएगा अभी। ये लोग जाएंगे ना बाहर घूमने। अच्छा जैसे आपने कहा कि सब चीज़ें पूछ कर किए हैं, तो क्या तैयारियाँ करनी पड़ी उनकी शादी में, क्या टिप्स लेते हैं? सारी टिप्स देवी जी ने दी हैं। नहीं नहीं नहीं, जो आपसे छूट गई और आपने उनको बताई वो नहीं सारी हमारी जो शादी में हमारी शादी कितनी सिंपल हुआ करती थी। 13 साल पहले धर्मशाला में शादी हुई थी। धर्मशाला मतलब धर्मशाला वो लद्दाख वाली नहीं, मतलब एक छोटे खाने होटल में थी, छोटे शहर में शादी हुई थी हमारी। बट शादियाँ बड़ी सिंपल हुआ करती थी, पैसे भी कम खर्च होते थे। शादी से बहुत कुछ सीखा है, तो आप अगर और किसी को भी शादी करनी है तो आ सकते हैं। आपने पूरा रूबी और मैं, उसने मुझे बहुत सिखाया और हमने साथ साथ बहुत कुछ सीखा। लोग अब ये लोगों की शादियाँ करा सकती हैं आराम से, लोकेशन से लेके कपड़ों से लेके खाना क्या होना चाहिए, डेकोरेशन सब कुछ कर सकती हैं। अभी धंधा ही खोल लो एक दूसरा।
हम तो गए थे यार, हम तो गए थे, हम नहीं जाएंगे तो कैसे शादी होगी? ऐसा सवाल पूछा। हम गए थे और हमने बहुत 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 मजा किया। वापस आने का मन नहीं कर रहा था, बस यहाँ पर रिसेप्शन था इसे आना पड़ गया। बट इनफैक्ट हम ब्राइड्स में तो पहले ही जाके जगह वगैरह सब देख के आ गए थे और उसके बाद शादी में गए और जो सब हमने सोचा था वहाँ पर वो सब होते हुए देखा, तो इट वॉज अ ब्रिलियंट एंड ऑसम एक्सपीरियंस। मच फन टू ऑल ऑफ अस, वो रातों को जागना और मेहनत करके इतना काम किया, हमारे साथ फिर वो डांस तैयार किया और साथ में किया, तो ऑल दी मेमोरीज तो बहुत सारे और पता नहीं कहाँ से एक तो कोई तो आ गए थे संगीत में, उन्होंने शूट कर लिया था और अगले दिन हम सब देख रहे थे कि अरे ये कहाँ से एक ही एंगल में शूट हुआ है। सो एवरीथिंग वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरी एंड रूबी वाज लुकिंग ऑसम, शी वाज ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, या शी वाज लुकिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीएस्ट ब्राइड। सो अभिनव वाज लुकिंग सो गुड टू, सो हैंडसम है ही वो, या तो मुझे टक्कर देने वाले खाते लगा है इंडस्ट्री में और हम लोग भी काफी अच्छे लग रहे थे, तो बहुत मजा आया। बता दीजिए, आइए, उन्होंने खुद ने डिजाइन किया है और सुंदर लग रही है बहुत, और मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ, मैं मतलब मैं देख ही लेता हूँ ठीक ठाक, क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहे थे तो मैंने फटाफट कुछ यार शूटिंग के बीच में बहुत, तो शादियों का ही इतना अरेंजमेंट करने में ना मतलब दिक्कतें हैं, और मतलब कपड़े सिलेक्ट करना अपने लिए बहुत मुश्किल, कपड़े सिलेक्ट करना काफी, और मैं तो बहुत ही पिछवाड़े मतलब बहुत ही पीछे आदमी हूँ कपड़ों के मामले में, जो मिल जाता है पहन लेता हूँ। हाँ ऐसे तो कल रात को सडनली बोलता मैं कल पहन के आ रहा हूँ, सो वी आर वन ऑफ दोस एंड यस्टरडे आई डिसाइडेड व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर। थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड, आई वुड लाइक टू थैंक देम टू गिव मी दिस फेस, सो थैंक यू। या विजुअल आजा पीछे आगे दाएं बाएं इधर एक पहले दे दो सबके लिए यार, कितने एक्साइटेड हैं? No, I'm very happy Abhinav के लिए, because I always thought कि Abhinav शादी नहीं करने वाला, and you also thought that until he met Rubina, which is amazing. Thank you Rubina for coming into our lives and through Abhinav, and you look perfect together. And he's wishing you your happily ever after. Yeah, I wish you guys lots of good things that you have really dreamt for, and I wish they all come true. और बहुत सारे मजे करो यार, just be happy guys, and you are really good friends. Just make sure that the friendship only goes thicker from here on. God bless you guys. Thank you. दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और दुआ करता हूँ हमेशा खुश रहें, साथ रहें और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं, सो हमेशा खुश रहें। कैसी बॉन्डिंग रही है उनके साथ, अगर इस बार उनको शेयर करना चाहे कोई फन मेमोरी होगा उनके साथ? बहुत सारे मेमोरीज हैं सेट पर, कई बार हम लोग कुछ सीन्स करते करते हंस पड़ते हैं और फिर एक बार हंसी छूटती है रुबीना की तो फिर वो नॉन स्टॉप चलती है, तो कई बार हुआ है ऐसा। शादी की जब से बात चली है तो सेट पर कितना रुबीना, एक्चुअली उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वो काम भी कर रही थी और साथ ही साथ शादी की प्लानिंग भी चल रही थी, सो उस वजह से वो दोनों काम एक साथ कर रही थी, उसके लिए थोड़ा सा सस्ती था। थैंक यू सर, किसी को याद है तो फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे खुद मेरे बर्थडे के बारे में क्या सेलिब्रेशन होनी है ये नहीं पता था, मेरे लिए सरप्राइज़ था, मेरे फ्रेंड्स ने और फैमिली ने प्लान किया कि भाई चलो आपकी इसको सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि मैं सबको सरप्राइज देता हूँ, तो इस बार मुझे सरप्राइज़ मिला, सो बस प्लान बन गया। देखिए ऑब्वियसली
हम लोग सब यहाँ थे और रुबीना वहाँ पर थी, पर बैलेंस आउट करना ज़रूरी था क्योंकि हरमन और सौम्या दोनों एक साथ कहीं नहीं जा सकते ना, तो एक इंसान को सेट पे रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और दूसरी शादी करके आ गई वो। देखते हैं अभी अंदर, अभी तो फिलहाल आपने अंदर जाने नहीं दिया। थैंक यू। हाँ 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 आ रहा हूँ, जान से मार दो यार। ऑब्वियसली हमारी सबसे छोटी सी फ्रेंड अब फाइनली मैरिड है, सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स वी विश हर ऑल द बेस्ट। अनफॉर्चुनेटली हुसैन इज नॉट हियर टुडे, सो या वी आर उनकी नेटिव प्लेस पे शादी हुई, आपने एवरीथिंग अरेंज किया था, एक्चुअली मैंने सिर्फ उनका मदद किया था टू गेट रेडी, लेकिन बाकी सब अरेंजमेंट्स उन्होंने खुद किया है, अभिनव ने किया है एंड कीर्ति ने किया है। वी जस्ट हेल्प हर एंड वी डिड अ नाइस डांस फॉर हर, अ लिटिल क्यूट लिटिल डांस एंड स्किट, सो या वी जस्ट केप्ट हर हैप्पी। शिमला में बहुत सारी मेमोरीज थी, स्पेशली लुकिंग एट हर एज अ ब्राइड, शी लुक ब्यूटिफुल गॉर्जियस एज शी ऑलवेज डज एंड ओ या वी प्लेड अ लॉट विद द मंकीज। थैंक यू। ओके आई रियली डोंट वॉन्ट टू टेक नेम्स, एक्चुअली इट्स रोबर्टो कवाली दैट वी पिक्ड अप फ्रॉम मिलान एंड आई एम मिसिंग हुसैन बिकॉज ही इज द वन हु गॉट इट फॉर मी, सो दोस्त है, क्लियर कर दो जी। पिक्चर में जैसे लिखा है वन मैन मैनी लाइफ्स, बहुत सारी लाइफ जो उसने जी हैं उसका मैं एक हिस्सा हूँ, पॉजिटिव हिस्सा हूँ। लोगों का ये कहना है कि जो विक्की कौशल ने उसमें रोल किया है वो मेरे ऊपर आधारित है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट इवनिंग है क्योंकि कल सुबह ये हो रहा है, उसके साथ साथ मेरे साथ ये जो दो प्रोड्यूसर्स फाइनेंसर्स थिएटर ओनर खड़े हैं, आप वेव के चेयरमैन राजू चड्ढा जी जिनकी पिक्चर जो कि संजय दत्त जिसका हीरो है साहेब बेबी एंड गैंगस्टर 3 उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो ये पूरा हफ्ता अगला पूरा महीना मेरे दोस्त मेरे भाई संजय दत्त की क्या कहते हैं संजय दत्त की ग्लोरी में है, क्योंकि आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अहम बात है कि एक लड़का फिल्म कलाकार एक इतने बढ़िया इतने शानदार पेरेंट्स का बेटा बच्चा सुनील दत्त साहब नरगिस दत्त जी उनका बेटा उसकी जीवनी पर ये फिल्म बनी है और उसके राइट उसी हफ्ते में उसकी दूसरी फिल्म साहेब बीबी एंड गैंगस्टर जो राजू जी वेव के चेयरमैन राहुल मित्रा जी जो फिल्म के प्रोड्यूसर इन्होंने बनाई है। टुनाइट इज एन एक्साइटिंग नाइट एंड टुनाइट इज अ नाइट फॉर माय फ्रेंड एंड माय ब्रदर संजय दत्त, एक भी सवाल पूछा तो मेरे आदमी पकड़ लेंगे तुमको। अबे झींगे। तो आज अब रुबीना और अभिनव की शादी हो चुकी है एंड रुबीना जब मेरी शादी पे आई थी उसने खूब धमाल किया था एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं उसकी शादी पे पागलों की तरह नाचूं। मैं वैसे भी वेट करती हूँ कि कोई शादी करे और मैं नाचूं। इनफैक्ट मैं अपने भाई बहनों को भी ये बोलती रहती हूँ कि यार इस सीज़न में गाने बहुत अच्छे हैं शादी कर लो,
सो आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छे सीजन के गानों में, अच्छे गानों के सीजन में उन्होंने शादी कर लिया। थैंक यू। मैंने एक्चुअली तैयारी तो काफ़ी की थी, मैंने तैयारी की थी 29th के हिसाब से। आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज जब मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करा, मैं तो को आज शाम को 7 बजे पे करा, आई सर आज कल की रिसेप्शन इज लाइक नहीं आज की है। तो मैं घर गई, मैंने सूटकेस खोला, ये मॉम ने मुझे साड़ी भेजी थी, आई सर अब तो यही पहननी पड़ेगी ना वोर दस नाइट के। तो तैयारी काफ़ी काम नहीं है। नो टिप्स रियली, आई थिंक रुबीना एंड अभिनव आर इन लव विद ईच अदर, और मैं होप और प्रे करती हूँ कि आप हर सुबह जब उठें आप एक दूसरे के साथ और ज़्यादा प्यार में पड़ जाएं, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स ऑफ लाइफ। एंड यू नो बींग टुगेदर, बींग ईच अदर सपोर्ट सिस्टम, इतना ही प्यार बरकरार रखिए, प्यार बढ़ता जाए, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड गुड विशेज फ्रॉम मी एंड अदर। अरे यार उन्होंने एक्चुअली मेरे घर से बहुत करीब शिमला में शादी करी और फिर भी हम जा नहीं पाए, बट थैंकफुली वी कैन बी हियर फॉर योर रिसेप्शन एंड वी आर रियली सॉरी फॉर द वेडिंग, बट अब अंदर जाके एंजॉय करेंगे। रवि शूट करे हैं सबसे स्मार्ट कॉन के लिए, और क्योंकि अब आपने मुझे पूछ लिया इसलिए मैं पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट भी कर देती हूँ। देखिए सबसे स्मार्ट कॉन स्टार प्लस पे शाम को 6:30 बजे। पार्टी बहुत अच्छी होने वाली है, अगर इनमें से किसी ने मुझे अंदर जाने दिया जो मैं 45 मिनट से नहीं गई हूँ, तो पार्टी और भी अच्छी हो सकती है, एंड आई कांट वेट टू बी इनसाइड। थैंक यू। Thank you guys.